हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल द वे ऑफ सक्सेस में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने साइकिल की ब्रेक को एक डिस्क ब्रेक के जितना पावरफुल कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो है इस बोल्ट को ढीला करना होता है और इस वायर को फ्री करने के बाद इसे खींच कर इसे वापस टाइट कर लेना होता है, जिससे कि जो आपका वायर है वो बहुत पावरफुल हो जाएगा और जब आप अपने वी ब्रेक को पुश करेंगे तो आपका ब्रेक जो है बहुत ही जल्दी पुश हो जाएगा। उसके बाद आपको ये बोल्ट है, इस बोल्ट को थोड़ा लूज़ करना होगा ताकि आपका ये पूरा कंपोनेंट आराम से फ्रीली घूम सके। तो पहले हम सबसे पहले इस बोल्ट को जो है ढीला कर देंगे। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमारा ये बोल्ट जो है वो लूज़ हो चुका है और इसमें से ये वायर जो है वो भी इसमें लूज़ हो रहा है। देखिए, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो वायर है वो इसमें फ्रीली घूम रहा है इस बोल्ट में। तो अब हम इन दोनों गुटकों को जो है प्रेस करेंगे और इन गुटकों को हम टायर से चिपका देंगे ऐसे। तो हमारा ये जो वायर है ये और भी लूज़ हो जाएगा। इसके बाद हम इसे खींच के वापस इस बोल्ट को टाइट कर लेंगे ताकि हम आसानी से ब्रेक की वायर को खींच सकेंगे। तो देख सकते हैं, इसे ऐसे पकड़ से खींचेंगे और इसे टूल से वापस टाइट कर लेंगे इस बोल्ट को। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमारा ये वायर जो है वो पहले इस पोजीशन पर था, लेकिन अब ये टाइट होकर यहाँ हो गया है। तो इसका मतलब हमारा वायर जो है वो थोड़ा टाइट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि हम अपने इस बोल्ट को थोड़ा सा लूज़ कर दें। तो इस बोल्ट को हम थोड़ा सा लूज़ कर देंगे ताकि हमारा ये जो कंपोनेंट है वो आराम से ब्रेक लगा सके। तो फ्रेंड्स, ये जो है हमारा कंपोनेंट का ये बोल्ट जो लूज़ हो चुका है, देख सकते हैं फ्रेंड्स आप इसे यहाँ से भी। तो हम इसे थोड़ा टाइट कर देंगे क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही लूज़ हो चुका है। तो हमें इसे मीडियम पर रखना होगा जिससे कि हमारा ये कंपोनेंट इतना हिल सके। उसके बाद हमें इन गुटकों को भी अच्छी तरह से सेट करना होगा और इसके बाद हमारे जो ब्रेक है वो अच्छी तरह से शॉर्ट हो चुके हैं, यानी कि अब ये एक डिस्क ब्रेक के जितना पावरफुल हो गए हैं। तो हम इसे टेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ऐसी दो साइकिल्स हैं जिनके जो ब्रेक है वो बिल्कुल शॉर्ट है और जैसा मैंने आपको बताया वैसे ही उनके ब्रेक जो है मैंने बहुत ही टाइट कर लिए हैं।